हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ हम इन 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी पौराणिक कथा और इसके महत्व के बारे में भी जानेंगे और इस वीडियो के अंत में आरती भी देखेंगे जो इन ज्योतिर्लिंगों पर होती है, जैसे कि बाबा महाकाल की भस्म आरती। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है और यह गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध स्वयं चंद्रदेव से है, इसलिए इसका नाम सोमनाथ है। इसके पीछे पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है। चंद्रदेव की शादी राजा दक्ष के 27 बेटियों के साथ हुई थी। इन 27 रानियों में से चंद्रदेव रोहिणी नाम की रानी से ज़्यादा प्यार करते थे और बाकियों को कम प्यार करते थे। इस पर क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि चंद्रदेव की रोशनी का तेज कम होता जाएगा। इस श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रदेव को श्राप मुक्त किया। ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव ने यह मंदिर सोने का बनवाया था। उसके बाद रावण ने इस मंदिर को चांदी के बनवाया और फिर श्री कृष्ण ने इस मंदिर को चंदन का बनवाया। इतिहास के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अलग अलग युद्धों की वजह से सोमनाथ मंदिर 17 बार टूटा है और इसका पुनः निर्माण हुआ है। आज जो हम मंदिर देख रहे हैं उसका निर्माण श्री वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था और ये है सोमनाथ मंदिर के आरती के दर्शन। दूसरा, मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्री सेलम नाम की जगह में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसकी पौराणिक कथा कुछ इस तरह से है। जब भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की शादी की बात चल रही थी तब प्रश्न ये उठा कि किसकी शादी पहले होगी। इसका निर्णय करने के लिए भगवान शिव ने दोनों को विश्व का चक्कर लगाकर आने को कहा। इस पर भगवान कार्तिकेय अपना वाहन लेकर निकल पड़े, लेकिन भगवान गणेश ने चतुराई दिखाई और उन्होंने अपने माता पिता के ही चक्कर लगा लिए। जब भगवान कार्तिकेय वापस लौटे तो उन्हें लगा कि उनके साथ छल हुआ है, तो वह नाराज होकर कैलाश छोड़कर करौजा पर्वत पर जाकर रहने लगे। माता पार्वती के कई बार समझाने पर भी उन्होंने अपना हट नहीं छोड़ा और वो कैलाश वापस नहीं आए। तब विवश होकर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश छोड़कर श्री सेलम में जाकर रहने लगे और इस तरह से यह प्रसिद्ध हुआ मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से। माना जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों की मुक्ति मिलती है तथा यहाँ भगवान शिव की पूजन करने से अश्वमेव यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तीसरा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में छिप्रा नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयं भू है, यानी कि यह खुद से उत्पन्न हुआ है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर हर रोज सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उज्जैन के लोग महाकाल को इस नगरी का राजा मानते हैं। माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से जीवन के सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं और यह है महाकाल के बाबा की आरती।
ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में महाकाल बाबा के अलावा ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। यह ज्योतिर्लिंग इंदौर के पास खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग जिस पहाड़ पर है वह पहाड़ नर्मदा नदी के बीच के द्वीप हैं। इस पहाड़ के चारों ओर नर्मदा नदी बहती है और जिसके कारण यह पहाड़ ओम के आकार का बना है और इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को ओम कालेश्वर के नाम से जाना जाता है। पांचवा, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये रुद्रप्रयाग जिले में ये केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। गौरीकुंड से आगे जाकर मंदाकिनी नदी के तट पर बाबा केदारनाथ विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव अपने भाइयों के हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए वो भगवान शंकर के दर्शन करना चाहते थे, पर भगवान शिव उनसे रुष्ट थे इसलिए वो दर्शन नहीं देना चाह रहे थे। इसलिए भगवान शिव बैल का रूप धारण करके केदारनाथ पहुंच गए, लेकिन पांडव उनका पीछा करते करते केदारनाथ में भी चले गए। तब भगवान शिव धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने बैल की पीठ पकड़ ली थी, इसलिए यहाँ का शिवलिंग बैल के पीठ के रूप में है। भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिया और उन्हें पाप से मुक्त किया। पांडवों ने यहाँ फिर केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर बहुत पुराना है और माना जाता है कि यह मंदिर करीब 400 साल तक बर्फ के अंदर दबा हुआ था। छठा, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे के पास सहाद्री हिल्स पर है। यहाँ से भीमा नदी उत्पन्न होती है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। त्रिपुरा सुर राक्षस इस जगह पर काफी उत्पात मचा रहा था। उसको खत्म करने के लिए भगवान शिव खुद यहाँ पर आए और उससे युद्ध किया और उसको खत्म किया। युद्ध के बाद भगवान शिव काफी थक गए थे और यहाँ पर बैठकर उन्होंने विश्राम किया और माना जाता है कि भीमा नदी उनके पसीने से निकलने वाली जल से उत्पन्न हुई है। इसके बाद वहाँ के लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह वहीं पर बस जाए, तो भगवान प्रसन्न होकर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। आत्मा, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग बनारस। उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। बनारस जिसे दुनिया की सबसे पुरानी नगरी भी माना जाता है, यहीं पर काशी विश्वनाथ बाबा का मंदिर है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। ये नगरी गंगा नदी के तट पर बसी हुई है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि अगर प्रलय भी आ जाए तो काशी विश्वनाथ बचा रहेगा। माना जाता है कि इसकी रक्षा के लिए शिव भगवान इसे अपने त्रिशूल पर उठा लेंगे और सब कुछ ठीक होने पर इसे पुनः इसी के स्थान पर रख देंगे। जो मंदिर हम आज देख रहे हैं इसका निर्माण देवी अहिल्या बाई होलकर ने कराया था और ये है काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन। आठवां, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक। महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत के पास है और ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी उत्पन्न होती है। माना जाता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर भगवान शिव ने यहाँ पर ज्योतिर्लिंग का रूप लिया था और देश के जिन चार प्रमुख स्थानों में कुंभ लगता है उनमें से एक महाराष्ट्र के नासिक जिला है। भगवान शिव का यह पावन धाम। नौवां, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर। झारखंड के देवघर जिले में बाबा बैद्यनाथ धाम है। पूरे भारत में यही सिर्फ एक ऐसा मंदिर है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। बाबा बैद्यनाथ को लेकर कई सारी पौराणिक कथा है और एक कथा के अनुसार यही वह जगह है जहां पर रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिरों का बलिदान दिया था। भगवान शिव प्रसन्न होकर रावण को दर्शन दिए और रावण को ठीक किया। तभी से इस मंदिर को बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने एक वैद्य की तरह रावण को ठीक किया था। दसवां, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात।
गुजरात में सोमनाथ बाबा के अलावा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका के पास तरुकामना नामक जंगल में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग बाबा शंकर के नाग के रूप को दर्शाता है। शिव पुराण के अनुसार इसकी एक कथा भी है। माना जाता है कि यहाँ पर एक राक्षस का जोड़ा रहता था जिसका नाम दारुका और दारुकी था। दारुकी माता पार्वती की भक्त थी और उसे माता पार्वती से वरदान भी मिला हुआ था, लेकिन दारुका यहाँ के लोगों को परेशान करने लगा। उनसे सुप्रिया नाम की एक शिव भक्त को कई अन्य लोगों के साथ बंदी बना लिया। इस पर सब लोगों ने शिव जाप शुरू कर दिया। तब शिव उसकी रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। तब से यहाँ भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। इग्रामा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। तमिलनाडु में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग रामनाथ नाम की जगह पर है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तो है ही, साथ ही साथ हिंदू धर्म के अनुसार 4 धामों में से एक धाम भी है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं श्री राम ने की थी। लंका तक जाने के लिए समुद्र पार करने से पहले भगवान श्री राम ने स्वयं इस शिवलिंग की स्थापना की थी। तब से यह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। 12वां घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा की गुफा है और इन्हीं एलोरा की गुफा के पास घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की मान्यता यह है कि यहाँ पर घुसमा नाम की एक शिव भक्त थी। उसके पुत्र को उसकी ही बहन ने छल से मारा था। अपनी भक्त पर इस तरह के अन्याय को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और घुसमा को दर्शन दिए और इसके बाद यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। ये है कुछ वीडियोस जो यहाँ की आरतियों की।